इस वक्त जब पूरे विश्व में और देश में कोरोना महामारी ने कहर ढाया हुआ है, पौड़ी जनपद के सितोनसी इलाके में जो कठूर गांव है वहां पर जो यहां पे कौशल्या देवी जी हैं वो यहां पे खेतों में हल लगा रही हैं और ये खेत जो है उनको आबाद कर रही हैं। आबाद इसलिए कर रही हैं क्योंकि इन गांवों में हल लगाने के लिए अब जो है मर्द लोग नहीं हैं और महिला होते हुए भी आप आगे आई हैं और इसी से इनका भरण पोषण चल रहा है। तो जब हमें ये जानकारी मिली तो हम यहाँ पे आए हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि किन हालातों पे उनको ये करना पड़ रहा है। आप इन बताओ कि आप जो ये हॉल लगाना चाहिए कि क्या मजबूरी चाहिए? मजबूरी चीज बच्चा पाँच जरूरी जान शादी विवाह भी कम जरूरी अब हजार टेंशन मतलब मिनिस हजार में मेरे कोई गुजर चाहू नहीं चाहिए बेरोजगार से नहीं। लेकिन जो मैं बोल चाहूँ तो जो लोग देश प्रदेश से घर हों तो मतलब खेती खुद में कोई उपजा हो और जल्दी हो और लगना मजबूर छा और तब बच्चा पाँच जरूरी छन और पढ़ लिखा भी जरूरी छन गरीब छा विधवा छा कि मतलब इन साधन नहीं चाहिए घरों भी नहीं 7 साल हो गए 6-7 साल हो गए बच्चा भी छोटा छा एक लड़की 21 साल है एक 18 साल है 17 साल 9-14 साल हो चाहे मजबूरी माँ ये हो लगना पड़ना चाहिए और तबीयत भी ठीक ही नहीं चाहिए दवाई दुआ भी चलने लगे छन और मजबूर छा 3,000 रुपये 4,000 रुपये मैंने दवा खाना था तब उन मतलब खेते माँ आप उपजाऊ करना था कभी सब्जी झोंक पौधो जो भी थी वो होना चाहिए आप बच्चा पढ़ना चाहिए लेकिन मुल्क मुल्क गाँव गाँव जो हल्ला जहाँ पढ़ना चाहिए जाना वाला तब भी एक है कभी बुनू चाहिए मदद करना ही था और क्योंकि गाँव में मतलब राज्य रोजी छ नहीं कि खेती करना था क्योंकि उपजाव करना होगा लेकिन जो गरीब गुरबा छा उनकी मतलब सहायता करना चाहे उनको लगाना चाहिए कमाई लेना मतलब लमसम मतलब साल भर में 6 महीने में ये खेत 6 साल में बस जल्दी होनी चाहिए मतलब ज्यादा उतनी 8-10 हज़ार रुपये मतलब 10-15 मौक लगे होता है बच्चों को रोजगार होनी चाहिए ज्यादा। सरकार से क्या चंदा आप? सरकार से ही चंदा हम मतलब जब बच्चा बड़ा हूँ लिखा पढ़ा हूँ जो शादी कराया मतलब बच्चा 14-15 साल हो बड़ा हो जाए भविष्य में कि परेशान नहीं हुआ पहले तो इन चाह सरकार मतलब इन घटना घटना पर लेकिन जो होली में चाह बच्चा नौकरी लग जाए ये संभावना मेरी आई वो चीज। अच्छा आप हॉल भी लगा ले आपकी बात थी बच्चों को पालना है और यहाँ पे बंजर खेतों में हल लगाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास तो महिला होने के बावजूद आप यहाँ पे मेहनत कर रही हैं और यहाँ पे हल लगा रही हैं लेकिन आप देख सकते हैं कि इस इलाके में तमाम खेत जो हैं वो बंजर पड़ चुके हैं और इन बंजरों के जो मालिक हैं वो अक्सर वो लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं काफ़ी हद तक और कुछ लोग जो गाँव में हैं भी तो वो खेती करना कम ही पसंद करते हैं और वो पसंद इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर इन खेतों में कुछ पैदा भी होता है तो उसके लिए मार्केट नहीं मिल पाता। तुम भाई बहन क्या कैसे गौर माँ? 3 कद का बड़ा छा? 1 18 साल है एक 16 साल है एक 20 साल है। अच्छा तेरी उम्र कद का छे? 14 साल। तू क्या कर दे? पढ़ दो छो। क्या क्लास में छे? 8 माँ। अच्छा जब माँ हॉल लगाते थे कन लग दू कन दू क्या चंदे तू बोल मेरी माँ हॉल नहीं लगा तो तुम पढ़ाई वगैरह करना चाहे मेहनत करा ठीक है नौकरी नौकरी लग जाला तब तेरी माते हॉल ही लगाना पड़ लो ठीक है।
शाहरुख भाई, जो आप यहाँ पे आपने पहल की है कि खेती की जाए, जिससे कि यहाँ पे स्थानीय स्तर पे कम से कम जो बेरोजगार लड़के हैं उनको रोजगार मिल जाए, और ये जैसे कौशल्या देवी जी जो हैं यहाँ पे, उनको देखा, इनमें बहुत जीवट है, इन महिला में खुद मतलब यहाँ पे हल लगा रही हैं, तो क्या प्लानिंग है आपकी, क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? हमारी जो यहाँ पे पहल है महाकाल सेना द्वारा, यहाँ पे ये पहल की गई है कि जो आजकल युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार की दिशा में एक कदम महाकाल सेना ने यहाँ पे बढ़ाया है। और महाकाल सेना ने यहाँ पे यह भी निश्चय किया है कि जैसे हम असहाय गरीबों की मदद करते हुए आ रहे हैं, यहाँ से हमें जो भी इनकम प्राप्त होगी उससे हम गरीब असहाय लोगों को भी इसमें मदद करेंगे। सरकार से और जो कृषि विभाग है इनसे खासतौर पर किस तरह की मदद चाह रहे हैं आप लोग? आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने कुछ विशेष ध्यान खेती पर दिया नहीं है। हमारी यही अपेक्षा कृषि विभाग से रहेगी कि अगर वो हमें यहाँ पे बाढ़ सुरक्षा मुहैया करा दें तो हम इन खेतों को ज़्यादा से ज़्यादा आबाद कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस कृषि से जुड़ के रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम यहाँ पे कम से कम शुरुआत में 50 लोगों को यहाँ पे रोजगार दें और सभी अपनी आजीविका यहाँ से प्राप्त करें। चारू भाई, ये अक्सर क्या होता है कि जैसे आप लोग ने यहाँ पे पहल करी तो छितरे हुए खेत होते हैं, एक खेत किसी का है, एक खेत किसी का है, तो एक जगह में अगर खेत पूरा चेक मिल जाए आदमी को तो बहुत बढ़िया कर सकता है खेती। लेकिन दिक्कत ये आती है कि जो लोग बाहर भी रहते हैं वो अपने खेत देते नहीं है, लीज पे भी नहीं देते, तो उन लोगों से क्या अपील करना चाहते हो आप? मैं अपने सभी अप्रवासी पहाड़ी भाइयों से, गांव के भाइयों से ये अपील करना चाहूँगा कि आपके जो बंजर खेत बिल्कुल जंगल बन रखे हैं, इन खेतों को आप गांव के करने वाले युवाओं को अपने खेत कुछ समय के लिए उनसे कागज़ में लिखा के 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए उनको लिखवा के लीज पे उन्हें दे सकते हैं, ताकि आपके खेत भी आबाद रहें और आपके गांव के क्षेत्र के युवा उनसे कुछ रोज़गार भी प्राप्त कर सकें। और जब आप लोग लीज पे खेत दोगे तो एक चेक में खेती होगी तो वो बहुत सुंदर भी होगी और आदमी को करने में आसानी भी होगी और इससे रोजगार के अवसर भी युवाओं को प्राप्त होंगे। तो मेरा सभी अप्रवासियों से, भाइयों से, बहनों से निवेदन है कि अपने अपने खेतों को जो युवा करना चाहते हैं उन्हें बेहिचक वो खेत दें। खेत तो वहीं पर रहेगा, आपका खेत आबाद भी रहेगा और आपका युवा, आपका भाई उससे रोजगार भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ की जो ज़मीनें हैं सब बाहर चले गए हैं लोग, लेकिन अब लोग, कई लोग कोरोना के दौरान वापस भी आ गए हैं, तो जैसे अगर लोग खुद नहीं कर रहे हैं खेती तो वो कम से कम लीज पे दे दें बेरोजगार लड़कों को, इस तरह की कोई अपील करना चाहेंगे आप? दे सकते हैं, वो जो बेरोजगार लड़के हैं 10-15 लड़कों को जैसे ग्रुप बन जाए, ठीक है ना, लड़के का पानी है सबसे पहले, तो पानी है यहाँ ना, पानी है तो सब कुछ है, तो मेहनत तभी करेगा आदमी जब सुविधाएँ मिली ना, सुविधाएँ नहीं मिलेंगे तो कहाँ से वो करेंगे ना। तो सभी भाई बंधुओं से वो करना चाहूँगा मैं, ठीक है, ये कोरोना से मारामारी से अगर बचना चाहते हो अपने गढ़वाल आए और खेती बाड़ी जैसे पहले करते आए हैं वैसे करें। जय श्री महाकाल और बाबा महाकाल सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और इस महामारी से विश्व का कल्याण करें। तो अब जबकि कोरोना की वजह से पूरे उत्तराखंड में ही लाखों लोग परदेश से वापस आ चुके हैं, तो खेती एक विकल्प रह जाएगा जिसमें रोजगार मिल सकता है। लेकिन इसके लिए सरकार को देखना चाहिए कि कौशल्या देवी जैसी जो महिलाएं हैं जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर रही हैं इन खेतों के लिए और इस उम्र में भी यहाँ पे हल लगा रही हैं, इनसे सरकार भी प्रेरणा ले और हमारे युवा भी प्रेरणा ले, जिससे कि उत्तराखंड का भविष्य उज्जवल हो पाए।
जागो उत्तराखंड के लिए शीतोन सिंह पौड़ी गढ़वाल से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।